शेयर कर रही हूँ। मैं क्या बोलूँ उसके पहले आप लोग तो ऑलरेडी टाइटल पढ़ के समझ में आ गए हैं आप लोगों को कि आज मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं शेयर करूँगी मेरा साड़ी कलेक्शन। साड़ी मुझे लगता है कि साड़ी ऐसा एक चीज़ है कि कोई भी लड़की साड़ी पहनने के लिए हमेशा रेडी रहती है। एंड कोई भी लड़की जितना ज़्यादा वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहने, साड़ी पहन के उनका ब्यूटी, लड़की लोगों का ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है साड़ी में कोई भी। मैं भी पर्सनली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे साड़ी पहनने का मौका उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एंड मेरा मैक्सिमम जो साड़ी है वो मेरा मायके में है, एंड कुछ साड़ी मेरा इन-लॉज हाउस में है। यहाँ पे मेरा कुछ साड़ी यहाँ पे मेरे साथ है, तो मैं सोची क्यों ना जितना भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जैसे साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा पहनती हूँ वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे मौका भी थोड़ा कम मिलता है साड़ी पहनने का। मेरे पास साड़ी पहन के फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। जितने सारे भी मेरे पास फ़ोटोज़ है साड़ी वाला, वो हर एक फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड और एक चीज़, मेरा मैक्सिमम साड़ी कोलकाता से परचेस किया हुआ है, तो एंड मुझे उतना ज़्यादा अभी याद भी नहीं है कौन सा साड़ी का प्राइस कितना क्या है। जो भी मुझे याद है वो हर एक चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ। चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साड़ी कलेक्शन जब स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहला साड़ी मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है ढाकाई चंदनी। एंड ये रेड कलर में है। एंड यहाँ पे शायद थोड़ा सा टोमेटो रेड दिखा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही प्यारी सी एक रेड कलर है। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप लोग देख के समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। ये मुझे मैं ये इसको खरीदी थी मेरे शादी के टाइमिंग में। ये कुछ ऐसा है दिखने में, ये फुल साड़ी रेड में ही है ऐसे। एंड इसमें थोड़ा सा ये छोटा छोटा गोल्डन में ऐसे थोड़ा सा वर्क है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ऐसे सॉफ्ट साड़ी ना बहुत अच्छा लगता है। एंड ये कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद मैं जो साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करना जा रही हूँ ये एक ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में है। एंड ये एक सिल्क साड़ी है। कौन सा सिल्क का साड़ी है वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे साड़ी का उतना ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये सिल्क साड़ी है, तो ये सिल्क साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सिल्क साड़ी कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। ये इसका ऐसा कुछ है। ये मैं मेरा जो सेकेंड एनिवर्सरी था ये रिसेंटली गया, उस टाइमिंग में ये पहनी थी। मैं आप लोगों को फोटो शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी बोलना ये कैसा है। ये साड़ी कुछ ऐसा है। ये इसका बॉडी जो है वो ग्रीन में है। एंड इसका इस साइड ऐसा है, थोड़ा वायलेट में है। एंड उसके बाद ये गोल्डन वर्क है यहाँ पे ऐसे करके। एंड ऑपोजिट साइड वाला जो पार है वो कुछ ऐसा है, गोल्डन है। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा येलिश वाला कॉम्बिनेशन है, उसके बाद फिर से गोल्डन, एंड फिर यहाँ पे वही वायलेट वाला है। साड़ी भी बहुत इजी होता है कैरी करना, मुझे ये सब चीज़ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर मैं बात करती हूँ मेरा ये नेक्स्ट साड़ी का। ये कुछ ऐसा ऑरेंजिश कलर में है। एंड ये जॉर्जेट है। ये बहुत ही सिंपल सा एक साड़ी है। एंड ये बाय द वे मेरा शादी के पहले का साड़ी है, लेकिन ये बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट साड़ी बोल सकते हो। बहुत अच्छा लगता है इसको क्योंकि इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके साथ साथ ये कैरी करना भी बहुत इजी है। एंड इसका कुछ ऐसा है, फुल बॉडी में कोई वर्क वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा एक प्लेन साड़ी है। एंड इसका जो पार है, इसका पार कुछ ऐसा है। एंड इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें ऐसे करके, इसमें देखिए ऐसे करके थोड़ा सा स्टोन देके यहाँ पे पार में काम किया हुआ है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वाइट एंड गोल्डन में बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। ये पूरा साड़ी में ऐसा ही है, इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। एंड इसका जो पल्लू है, पल्लू में भी अलग सा कुछ नहीं है, पल्लू में भी सिर्फ यही है, फुल पल्लू ऐसे दिया हुआ है। सो इस वर्क के लिए ये साड़ी मुझे और भी ज़्यादा पसंद है एंड इसका कलर तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। जितने बार मैं ये पहनूँ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। सो ये जॉर्जेट कॉम्बिनेशन में है, एक्चुअली ये जॉर्जेट साड़ी है एंड उसमें कुछ ऐसा काम किया हुआ है। सो इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बात करूँगी इस साड़ी का, ये है कांजीवरम। सो इसका प्राइस मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ये भी मैं शादी के टाइमिंग में खरीदी थी। एक्चुअली ये मेरे मम्मी दिए थे, मम्मी पापा की तरफ से था ये साड़ी। सो ये कुछ मैंने एक्चुअली ये साड़ी हमेशा उल्टा फोल्ड करके रखती हूँ, तो इसीलिए इसका ये है, मैं पहले दिखा देती हूँ। ये है इसका पल्लू, ये कुछ ये रेड कॉम्बिनेशन में है एंड ये साड़ी मुझे ना बहुत पसंद है क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बॉटल ग्रीन एंड ये रेड कॉम्बिनेशन का साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये कैरी करना भी बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे ना ये कांजीवरम बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सो इसका बीच बीच में ये ऐसे है, इसका ये है पार एंड ये बॉडी में ऐसे छोटा 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 ऐसे रेड देके इसमें वर्क किया हुआ है, रेड एंड गोल्डन में। यहाँ पे देखिए गोल्डन, यहाँ पे फिर रेड, ऐसा करके है। सो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है एंड ये कलर कॉम्बिनेशन तो माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। एंड मेरा ना मैक्सिमम साड़ी थोड़ा सा रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में हो गया है क्योंकि बहुत सारा साड़ी मुझे गिफ्ट में भी मिला था एंड बहुत सारा साड़ी मैं खुद भी खरीदी हूँ। सो सब मिला के वो कॉम्बिनेशन मेरा ज़्यादा है। सो इसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ, ये इसको बोलते हैं माहेश्वरी या माहेश्वरी सिल्क एंड ये भी कुछ ऐसे मैरून कलर में है एंड गोल्डन में है। सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप कहीं पे भी बहुत इजीली इसको कैरी कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया है। ये बहुत इजी कैरी कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट है एंड सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका पल्लू ये फुल बॉडी है आपका मेरून में, ऐसे मेरून कलर में है एंड कोई वर्क नहीं है, नॉर्मल सा मेरून कलर में है। लेकिन इसका जो पल्लू है ऐसे थोड़ा सा ऐसे टाइप का गोल्डन कलर में है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके ना सच में ये साड़ी का ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। सो ये भी मैं शादी के टाइमिंग में ही खरीदी थी। यहाँ पे मेरा साड़ी जम रहा है ऐसे ऐसे करके। सो इसके बाद मैं शेयर करती हूँ, हाँ ये बोलते हैं ना कि बंगाली लोगों का स्पेशल होता है ढाकाई जामदानी एंड तातेर साड़ी। सो ये मेरा एक तात कॉम्बिनेशन का साड़ी है। सो ये मुझे गिफ्ट में मिला था एंड ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। ये पिंक में है एंड स्काई कॉम्बिनेशन में है, पिंक एंड स्काई कलर के कॉम्बिनेशन में है। सो ये एक्चुअली बांग्लादेश से लाया हुआ है, बांग्लादेश वाला साड़ी है। सो बहुत ही अच्छा है एंड ये बहुत सॉफ्ट है। मतलब हम लोगों का एक है कि ताते साड़ी, मतलब वो थोड़ा सा ना आपको पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत इजी होता है ये भी कैरी करना। एंड सबसे बढ़िया बात है इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सो ये कुछ ऐसा है इसका वर्क, सारा बॉडी में ये ऐसे गोल्डन देके वर्क किया हुआ है एंड इसका जो पार है वो कुछ ऐसे में है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये स्काई कॉम्बिनेशन में है एंड इसका जो पल्लू है ये देखिए ये कुछ ऐसा है, ये स्काई कलर का है ऐसे एंड ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ये रानी कलर एंड ये स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है माइंड ब्लोइंग यार। सो इसके बाद मैं शेयर करती हूँ ब्लैक साड़ी एंड उसके साथ ये ग्रीन कॉम्बिनेशन का साड़ी है। ये बहुत ही ये नॉर्मल सा कॉटन साड़ी बोल सकते हो। ये मैं ली थी लास्ट ईयर, हम लोगों का जो न्यू ईयर होता है, मतलब हम लोगों का आई मीन बंगाली लोगों का जो पहला बैशाख होता है उस टाइम मैं इसको ली थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी है, बहुत सॉफ्ट है एंड कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसका जो एंड ब्लैक एंड ग्रीन का ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये फुल बॉडी में ऐसे है, ब्लैक है एंड इसका जो पार्ट है ये छोटा वाला, एंड मुझे ना ज़्यादा चौड़ा मतलब ज़्यादा लेंथ वाला जो ये पार्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ये छोटा में होगा तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सो ये कुछ ऐसा ही है, ऐसे कलर में है एंड फुल बॉडी ब्लैक में है एंड फिर से इधर में ऐसे ग्रीन कलर का पार्ट है। इसका पल्लू पूरा ही ग्रीन कलर में है एंड पल्लू के साथ ये पॉम्पॉम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसीलिए ये मैं परचेस की थी। तो मुझे ये भी साड़ी बहुत पसंद है। मुझे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हेवी वाला साड़ी उतना ज़्यादा कैरी करना भी मुझे नहीं आता है, तो मैं एकदम सिंपल वाला साड़ी पसंद करती हूँ। सो मेरा नेक्स्ट साड़ी का कलेक्शन है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। सो ये भी ग्रीन कॉम्बिनेशन में है। तो मेरा बहुत सारा साड़ी आप लोग देख पा रहे हो ये ग्रीन कॉम्बिनेशन में बहुत सारा है। ये भी थोड़ा सा सिल्क, कॉटन सिल्क है ये एक्चुअली एंड इसका जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ब्राउन एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा है। पल्लू है आपका इसमें, ये मेरून एंड गोल्डन वर्क है इसमें। जैसे कि इसका पार्ट जो कॉम्बिनेशन में है ये भी वैसे ही कॉम्बिनेशन में है, पल्लू भी एंड फुल साड़ी में वैसे और कोई वर्क नहीं है, नॉर्मल सा ये नॉर्मल एक कलर का है। सो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट कलेक्शन है वो है, ये भी शायद कॉटन सिल्क में है एंड ये एक पिंक या रानी कलर का कॉम्बिनेशन का साड़ी है। ये भी मुझे एक्चुअली गिफ्ट में ही मिला था। तो ये है कुछ ऐसा, ये ऐसे रानी कलर में है एंड इसमें ऐसे गोल्डन वर्क किया हुआ है, ऐसे करके गोल्डन वर्क में है एंड इसका अलग से कोई भी मतलब ऐसे करके कोई भी इसका पार्ट नहीं है। पार्ट बहुत ही मतलब ऐसे सिंपल सा इसका पार्ट है एंड इसका जो पल्लू है, इसका पल्लू कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन में है। इसका पल्लू कुछ ऐसा है, ऐसे गोल्डन देके थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। सो ये भी मैं एक ही बार शायद पहनी हूँ एंड हर एक साड़ी मेरा जो शादी के टाइम का था उस टाइम का साड़ी है। तो शादी के टाइम जब नए नए दुल्हन होते हो तो उस टाइम ये सब कलर बहुत अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैक्सिमम मेरा कलर कॉम्बिनेशन यही है। सो नेक्स्ट जो साड़ी मैं आप लोगों के साथ एंड बोल सकते हो ये लास्ट साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो ये मेरा शादी के टाइम का मतलब हम लोग का जिस दिन रिसेप्शन होता है दिन मेरा हम लोग का सुबह में थोड़ा सा कोई रिचुअल्स होता है जिसको हम लोग बहुभात बोलते हैं। मतलब उस दिन हम लोग जो नए दुल्हन होते हैं वो जितने सारे गेस्ट हैं या फैमिली मेम्बर है उन लोगों को राइस देते हैं, सर्व करते हैं, एक्चुअली राइस सर्व करते हैं, घी राइस। सो उस टाइम मैं ये साड़ी पहनी थी। सो ये सिल्क है लेकिन कौन सा सिल्क है मुझे उतना नॉलेज नहीं है। सो ये मेरे इन-लॉज हाउस से दिया गया था। सो ये भी बहुत अच्छा है एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में है। तो मतलब कोई भी ऑकेशन में मैं जाऊँ तो उस टाइम ये पहनने से बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। सो इसका पार्ट इसका ऐसा है, गोल्डन वर्क है एंड ये फुल बॉडी में ऐसे आपका गोल्डन एंड गोल्डन से वर्क किया है। ग्रीन के ऊपर गोल्डन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और इस साइड का एक साइड का पार्ट ऐसा टाइप है एंड दूसरे साइड का पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ऐसा वर्क है, थोड़ा सा ऐसे करके वर्क किया है एंड उसके बाद यहाँ पे गोल्डन है एंड फिर से ये ग्रीन है एंड ग्रीन में फिर से गोल्डन से वर्क किया हुआ है। सो ये है इसका पल्लू एंड इसके पल्लू में भी ऐसे ही गोल्डन देके वर्क किया हुआ है। सो यही है मेरा साड़ी का कलेक्शन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता है यार। एंड आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो चलिए मैं मिलती हूँ फिलहाल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।